अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अक्सर वकास यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। चार पाँच दिन से मैंने कोई ख़ास वीडियो अपलोड नहीं की, तो उसकी जो वजह थी वो ईद की मसरूफियत थी और कुछ मैं भी थोड़ी सी लेज़ी हुई हुई थी कि चले मैं ईद के बाद ही आप लोगों के साथ जो है ना वो ड्रेसेस अपने शेयर करूँगी। चलें जी, आज मैं आप लोगों के साथ अपने तीन दिन के जो ईद ड्रेसेस थे वो शेयर करने लगी हूँ और उसकी मैं आप लोगों के साथ डिटेलिंग जो है वो शेयर करने लगी हूँ, कैसे बनवाए ये सारे। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा और देखिएगा कि मैंने किस तरह अपने ड्रेसेस जो है ना वो बनवाए हैं ईद के लिए। तो इसमें जो है कोई ख़ास मेरी वो थीम नहीं थी कि इस तरह के बनवाने, बस ऐसे बाई चांस जो है ना वो कलर स्कीम और ये सारी चीज़ें जो है ना जैसे जैसे पसंद आए मैंने बनवा लिए। फ़र्स्ट ड्रेस पे आ जाएँ तो ये जो ड्रेस है ये मैंने लोकल मार्केट से कपड़ा ख़रीदा था और मुझे इसका स्टफ़ बड़ा अच्छा लगा था और उसके ऊपर ये जो सितारी का काम हुआ था ये बड़ा अच्छा हुआ था। और मैं सोच रही थी कि मैंने खुला कपड़ा ले लिया, दो शर्ट्स का मैंने कपड़ा लिया और उसकी मैंने एक फ़्रॉक बनवानी थी, तो उसके साथ मैंने क्या किया कि ये सारी कलियाँ डलवाई और ये सारी जो है ना फ़्रॉक बनवाई। और इसका जो है जो मेरे दर्जी भाई थे उन्होंने क्या किया कि कलियों में जो लेसेस थे वो उलट पुलट लगा दी और उसकी पूरी कलियों पे लेस भी नहीं लगाई और उसकी जो पेटी है वो मुझे थोड़ी सी लंबी लगी और थोड़ा सा मेरा जो है ना स्ट्रेस पे जैसा मैं बनवाना चाह रही थी वैसा जो है ना वो नहीं बना। बाकी गला जो है वो आप लोगों के साथ मैंने पहले शेयर कर दिया कि किस तरह मैंने बनवाया, लूप्स लगवाई हुई थी मैंने गले पे। दूसरा ड्रेस ये मेरा खाड़ी का है और ये सिंपल सा है, कैजुअल सा, और ये इसकी स्टिचिंग जो है मैंने खुद की है। गला आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था तो इस तरह का मैंने गला बना लिया और बहुत ही सिंपल सी इसकी स्टिचिंग की। इसकी ज़रा जो है वो लेस है वो शटल सी वो मैंने लगा ली बाजुओं पे और नीचे दामन पे। थर्ड ये मेरा सूट है, ये डाइनर से मैंने शर्ट ली थी, टू पीस था और उसके साथ जो ये मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं थी वो मुझे बिल्कुल नहीं लेने दे रहे थे लेकिन फिर भी मैंने जो है ना ले ली। और इसके जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस शर्ट के बाजू लगे थे तो बाजुओं की वजह से मैंने ली थी। और इसमें जो है बेल लगा हुआ है और उसके नीचे कढ़ाई है और दो साइडों पे कलियाँ हैं और नीचे थोड़ा सा भी जिस तरह ये कलियों पे काम है। और ये इसके साथ मैंने मैचिंग दुपट्टा कर लिया था। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।